वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के नाम, जिनको वर्ल्ड कप जीतना आता। और भारत ने एक बार फिर वही करिश्मा किया जो हम पिछले काफी समय से कर रहे हैं। हम नॉकआउट में जाके हार जाते हैं, हम लीग स्टेज में बहुत बेहतर क्रिकेट खेलते हैं, चाहे आप 2019 की बात करें, 2014 की बात करें, 1987 की बात करें, 1999 की बात करें, तो नॉकआउट स्टेज में जब आते हैं तब हम पचक से जाते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि वो मौके पे चौका नहीं लगा पाते, नहीं तो उससे पहले हम वर्ल्ड चैंपियन की तरह खेलते हैं। 2019 में भी न्यूजीलैंड से हारने से पहले हम लगातार जीत अर्जित कर रहे थे, हम शायद सबसे बेहतर टीम थे और वही अवस्था इस समय भी थी कि हमारे से बेहतर कोई टीम नहीं थी। लेकिन जब असली मौका आया तब हम पचक गए। तो मैं नहीं जानता हूं कि ये ICC टूर्नामेंट की नॉकआउट स्टेज की घबराहट है, फ्राइट है, कि स्टेज फ्राइट है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन एक बात तय है कि मेरे को भी उस शौक से उभरने के लिए एक दिन लगा, जिसके चलते मैं एक दिन के बाद वापस आपके पास आया हूं। लेकिन हकीकत ये है कि भारत ने एक बार फिर निराश किया करोड़ों लोग। जिस तरह स्टेडियम सी ऑफ ब्लू, सिर्फ नीला रंग ही दिख रहा था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जिस तरह निराश किया। अच्छी शुरुआत जरूर दी थी रोहित शर्मा ने, जो लगातार दे रहे हैं, लेकिन हमको रोहित शर्मा से पूरी फिल्म की अपेक्षा रहती है, ट्रेलर्स की नहीं। मैं जानता हूं कि उन्होंने बेहतरीन शुरुआत की है, उन्होंने टीम का इंटरेस्ट पहले रखा है, सब कुछ जायज है, लेकिन जब आपने एक छक्का एक चौका लगा दिया उसके बाद बड़े हिट की जरूरत बनती नहीं है। आप इतने अनुभवी खिलाड़ी हैं और उनके आउट होने के बाद कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था। विराट और राहुल, क्योंकि शुभमन गिल पहले आउट हो गए थे, श्रेयस अय्यर आते ही आउट हो गए थे, फिर विराट और KL लगभग एक तरह के खिलाड़ी हैं जो समय लेके क्रिकेट खेलते हैं, और उन्होंने जिस तरह समय लेके क्रिकेट खेली उससे हमको काफ़ी बैकफुट पे धकेल दिया। और फिर जब एक्सेलरेट करने का समय था तब कोहली आउट हो गए और फिर विराट आउट हो गए और जडेजा जल्दी आउट हो गए, तो कहीं ना कहीं पचक सी गई भारतीय टीम। और 240 का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था, हालांकि विकेट ऐसा लगता था कि शायद टर्न करेगा, जिसके चलते और बॉल रिवर्स हो रहा था जब ऑस्ट्रेलियंस गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही लाइट्स आई, थोड़ी ड्यू आई, विकेट थोड़ा बेहतर हो गया था। लेकिन फिर भी जो 3 विकेट गए थे, भारतीय गेंदबाजों ने एक तरह से वापसी कराई थी वहाँ से। जिस तरह हेड और लैबुशेन ने बल्लेबाजी की है वो दर्शाता है क्यों बिग मैच प्लेयर कहा जाते हैं, क्यों 6 बार की वर्ल्ड कप चैंपियन टीम है ऑस्ट्रेलिया, उनको जीतना आता है, बड़े बड़े जो मौके हैं उन पे जीतना आता है, बिग मैच प्लेयर्स। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारत की थोड़ी खामी तो ज़रूर है। जब 2 नेशन टूर्नामेंट होता है हम चैंपियन हैं, जब 3 नेशन टूर्नामेंट होता है हम चैंपियंस हैं, लेकिन जब वर्ल्ड कप होता है तो हम लीग स्टेज पे बहुत बेहतर क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा लगता है कि हम ही चैंपियन हैं। लेकिन जैसे ही नॉकआउट स्टेज आती है वो स्टेज फ्राइट हमको हो जाती है, और जिसके चलते हम जीता हुआ वर्ल्ड कप हार जाते हैं, जीता हुआ ICC टूर्नामेंट हार जाते हैं, चाहे T20 की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें या वर्ल्ड कप की बात करें, तो कहीं ना कहीं यहाँ से उभरना होगा, क्योंकि हम लगातार साउथ अफ्रीका को चोकर्स कहते हैं, लेकिन हमको भी माफ़ कीजिए कि मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमको भी 13 साल हो गए, 12 साल हो गए वर्ल्ड कप जीते हुए, क्योंकि हम सबसे बेहतर टीम हैं, सबसे बेहतर फैसिलिटीज़ हैं, सबसे बेहतर बोर्ड है, सब कुछ है, उसके बाद हम मौके पे पचक जाते हैं, मौके पे चौका नहीं लगा सकते। निराशा सबको जरूर, बेहतर क्रिकेट एक बार फिर भारतीय टीम ने खेली, लेकिन वो जो वर्ल्ड कप हमारा था वो ऑस्ट्रेलिया ले गया। और अगर मैं इसको डे लाइट रॉबरी बोलूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑन पेपर हमारे से बेहतर कोई टीम है, चाहे बल्लेबाजी की बात करें, गेंदबाजी की बात करें, लेकिन आखिरी नतीजा जो टॉप प्राइज किसके नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया, और ये उनकी 6ठी वर्ल्ड कप की जीत है, जो अपने आप दर्शाता है कितनी बेहतर क्रिकेट वो खेलते हैं बड़े मौकों पे। एक्स्ट्रा टाइम। লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল, বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না জানো।